नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली में अलर्ट जारी। भारत में 5 दिन बाद कोरोना के 1000 से कम मामले आए सामने। 24 घंटे में 861 नए केस मिले। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी। शिक्षक मंत्रालय का उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने के निर्देश। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और हिंद प्रशांत के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा। असम राइफल्स को मिली बड़ी सफलता, मिजोरम के चंफाई से हथियार किए बरामद। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट मई में लाने की तैयारी, किसान, गरीब और रोजगार पर होगा फोकस। आजम खां के सपा को बाय बाय कहने के संकेत, समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। रामपुर में बाईपास पर भीषण हादसा, आपस में भिड़ंत के बाद आग का गोला बनी 3 ट्रक। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार, 15 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। यूपी पॉलिटेक्निक के अतिथि व्याख्याताओं के हाल बेहाल, 14 माह से नहीं मिला मानदेय। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान की ओर से सेना प्रमुख बाजवा को बर्खास्त करने की खबर को नकारा, कहा बेबुनियाद न्यूज। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में दवाओं की भारी किल्लत ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, डॉक्टरों ने दी खुली चेतावनी। पाकिस्तान का नया पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ के लिए आसान नहीं है रहा, सामने रहेगी बड़ी चुनौतियां। पाकिस्तान से बाहर भी पहुंची सियासी लड़ाई, नवाज शरीफ के लंदन स्थित घर के बाहर भिड़े इमरान और नवाज के समर्थक। पाकिस्तान में पीएम पद के नामांकन के दौरान नोकझोंक, पीएमएलएन नेता से शाह महमूद कुरैशी की हुई तीखी बहस। कुलदीप यादव ने केकेआर के खिलाफ मचाया तहलका, सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 3 रनों से दर्ज जीता, तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का रहा अहम योगदान। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज अनुज रावत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 47 गेंद व 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आरसीबी के खिलाड़ी हर्षल पटेल की बहन का निधन, आईपीएल का बायो बबल छोड़ पहुंचे घर। पॉइंट्स टेबल में टीमों का दबदबा, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान क्या हासिल, केकेआर इस वक्त टेबल में 2 नंबर पर। रणबीर की दुल्हनिया को लेकर नीतू कपूर ने जाहिर की ख्वाहिश, बोली आलिया संग उनका बॉन्ड ऐसा ही हो जैसा उनका और उनकी सास का था। रणबीर संग शादी पर आलिया भट्ट का आया रिएक्शन, दुल्हन की तरह जगमगा उठी आरके स्टूडियो। एक्टर और स्क्रीन राइटर शिव सुब्रमण्यम का निधन, 2 महीने पहले बेटे की भी हुई थी मौत। श्रद्धा आर्या में छिपा है टैलेंट का खजाना, अपने हुनर से लोगों को बना देती है दीवाना।
जारा अली खान ने भाई इब्राहिम के साथ शेयर की मस्ती भरी वीडियो, मां ने दिया रिएक्शन। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।